स्वागत करते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फिरोजाबाद की एक्सप्लोर करने वाले हैं और पूरा टूर में हैं, तो बन रही है हमारे साथ अंत तक। ये खूबसूरत वीडियो फिरोजाबाद की है और यहाँ से हम चले जाएंगे इटावा की तरफ और सामने सैंडबोर्ड भी लगा हुआ है और बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से इटावा 64 किलोमीटर है। तो फाइनली हम अभी आके पहुँच गए हैं सिटी के अंदर और सिटी का शुरुआत हुआ है यहाँ से और दोपहर का समय है, लोगों का भीड़ उतना ज़्यादा नहीं है और ट्रैफिक भी बेहद ही कम है। अगर आपको UP 83 का नंबर प्लेट कभी भी आपको दिख जाए तो समझ लेना कि आप फिरोजाबाद में हों। और यहाँ से बेहद ही खूबसूरत नज़ारा सामने आया है और रोड भी एकदम खाली है और आगे बढ़ते हुए हम इस नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए फिलहाल हम जा रहे हैं एक मार्केट में जो इस वीडियो में आप देख भी सकोगे। और खूबसूरत मार्केट है और शानदार नज़ारा है तिरंगा के नीचे। इस मार्केट में आते आते शाम हो गया है और लोगों का भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक भी है कम ज़्यादा थोड़ा बहुत। और यहाँ से हम मार्केट के अंदर चले जाएंगे और सामने नज़ारा देख पा रहे हो। और यहाँ से हम अभी जाएंगे मार्केट के अंदर, सब्जी मार्केट के अंदर, जो यहाँ से भीड़ उतना ज़्यादा नहीं है। तो साइड से हम निकल जाएंगे और सब्जी मंडी है यहाँ पे और फूलगोभी भी देख पा रहे हो, खरीदारी हो रहा है। ठंडे का मौसम का सबसे ज़्यादा बिकने वाला यह सब्जी है फूलगोभी। लोगों की भारी तादाद में भीड़ है और आगे बढ़ते हुए इस नज़ारे को दिखाएंगे जो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है और लोगों का भीड़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। इस मार्केट के में सभी सब्जियां मिलती है, ठंडे का मौसम का हो या गर्मी का, सब सब्जियां इस मार्केट में हर टाइम अवेलेबल रहता है। दोस्तों इस वीडियो को आप किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप फिरोजाबाद से देख रहे हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और कुछ नज़ारा दिखाएंगे और फिलहाल हम यहाँ पर आए हैं फूलगोभी लेने के लिए, तो आप समझ ही गए होंगे किस लिए हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि कुछ दिनों में प्रोग्राम है और बहुत सारा फूलगोभी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।